हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डाउट बस्टर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कोगुलेशन के बारे में ब्लड कोगुलेशन तो व्हाट इज ब्लड कोगुलेशन कागुलेशन का मतलब क्या है कह सकते हैं हम लोग कि कागुलेशन प्लेटलेट्स के द्वारा होता है हम लोग कह सकते हैं कि कॉगोलेशन में रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं बट एक्चुअली कागुलेशन की डिफिनीसन क्या है द कन्वर्जन ऑफ सॉलिबुलिब्रिनोजेन इंटू इन सॉल्युबुल तो डेफिनेशन क्या है कॉगुलेशन की कागुलेशन की डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ सॉल्यूबुलब्रिनोजेन इनटू इनसॉल्युबुल फेब्रिन हमने ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन पार्ट वन वाले वीडियो में देखा था कि ब्लड में दो पार्ट होते हैं एक प्लाज्मा और एक फॉर्म एलिमेंट्स तो प्लाज्मा में इट्स सेल्फ कॉगलेटिव प्रॉपर्टी होती है क्यों क्योंकि प्लाज्मा में ही सीरम प्रेजेंट होता है और उसी में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो वी कैन से कि कॉगुलेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल है कागलेसन के लिए प्लाज्मा रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि इन्हीं में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंड ये जो फॉर्मड एलिमेंट्स हैं लाइक प्लेटलेट्स डब्ल्यू बी सीज एंड आर बी सीज ये हेल्प करते हैं कोगुलेशन में ओके okay? तो इनका हेल्पिंग हैंड होता है फॉर्मड एलिमेंट्स का आर बी सी का डब्ल्यू बी सी का प्लेटलेट्स का हेल्पिंग हैंड होता है ब्लड को गुलेट करने में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड ब्लड वेसल्स में लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है बट जैसे ही कहीं पे ब्लड वेसल रप्चर होती है या पंक्चर होती है तो वहाँ पर ब्लड के ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स वहाँ पे आ के उस गैप को सील कर देते हैं उस रप्चर्ड पार्ट को सील कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मेशन ऑफ सेमी सॉलिड प्लग ये सेमी सॉलिड प्लग स्पेशली बने होते हैं किनसे इन्हीं सब ब्लड के ही कंस्टिट्यूएंट्स से इज इंट इट तो अब हम समझेंगे कि नॉर्मल ब्लड वेसल में या हेल्दी ब्लड वेसल्स में ये ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में बना रहता है क्योंकि चाहे ब्लड वेसल नॉर्मल हो और चाहे ब्लड वेसल रक्चर्ड हो दोनों केसेस में प्लेटलेट्स तो प्रेजेंट हैं ही ब्लड में बट ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड वेसल में प्लेटलेट्स ब्लड वेसल पे एडहेयर नहीं करते और जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो प्लेटलेट्स क्यों एडहेयर करते हैं सो लेट्स सी कि नॉर्मल ब्लड वेसल में क्यों प्लेटलेट्स एडहेयर नहीं करते ब्लड वेसल्स पे सो अस सपोज सपोज़ ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ब्लड वेसल की और ये हैं एंडोथीलियम Cells. ये हैं एंडोथेलियम सेल्स जो कि ब्लड वेसल्स को लाइन कर रही हैं ये एक्स्ट्रा सेलोर मैट्रिक्स हो गई और ये हो गई एंडोथेलियम सेल्स ये एक हेल्दी ब्लड वेसल है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेल्दी ब्लड वेसल्स में आखिर क्या मैकेनिज़म्स होते हैं जिस वजह से ब्लड उसमें लिक्विड फॉर्म में फ्लो करता है उसमें क्लॉटिंग कोई नहीं होती है तो होता क्या है सो फर्स्ट लेट मी लेबल इट ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स और ये हो गया एंडोथेलियल सेल्स एंडोथीलियल सेल्स सो so होता क्या है ये एंडोथीलियल सेल्स कुछ केमिकल्स सिक्रिएट करते हैं ये एंडोथेलियल सेल्स कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड कुछ और चीज़ें सीक्रट करते हैं जैसे कि पी जी आई टू ये एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसको हम प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं और क्या ये सिक्रेट करते हैं ये सिक्रेट करते हैं ए डी पी ए डी पी फॉस्फटेजस ए डी पी तो ये क्या करते हैं ये केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये इन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रही है उसमें प्लेटलेट्स भी फ्लो कर रहे हैं बट वो प्लेटलेट्स को इनिबिट कर देता है दीज आर प्लेटलेट्स ये केमिकल्स जो एंडोथेलियल सेल्स से सिक्रीट हो रहे हैं ये क्या करते हैं ये इन प्लेटलेट्स को एंडोथीलियल सेल्स के पास में नहीं आने देते हैं इनको ये इनहिबिट कर देते हैं प्लेटलेट्स को इनहिबिट करते हैं कि वो एंडोथीलियल सेल्स पे आके स्टिक ना कर सकें इज इट ऐसे ही डिफरेंट मैकेनिजम्स हैं तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन इसी एंडोथीलियल सेल के सरफेस पे एक प्रोटोग्लाइकेंस पाया जाता है सल्फेट एक हैप्रान सल्फेट नाम का प्रोटियोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है इस एंडोथीलियल सेल के सरफेस पे और एक करते क्या हैं ये रिसेप्टर होते हैं दे आर द टाइप ऑफ रिसेप्टर्स फॉर एंटी थ्रोम्बिन थ्री ये एंटी थ्रोम्बिन थ्री प्रोटीन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या हो गया ये हो गया थ्रोम्बिन थ्री एंटी थ्रोम्बिन थ्री और ये हो गया हेप्रान सल्फेट। हेप्रान सल्फेट आर बेसिकली प्रोटियोग्लाइकेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स इन ऑल एनिमल्स तो हेप्रान सल्फेट पे जब ये आ करके एंटी थ्रोम्बिन थ्री प्रोटीन बाइंड करता है इसकी भी सिंथेसिस लीवर में ही होती है तो ये क्या करता है ब्लड में जो थ्रोम्बिन फ्लो हो रहे हैं जो थ्रोम्बिन प्रोटीन फ्लो हो रहे हैं उसको ये क्लीव कर देता है मतलब उसको ये इनएक्टिव कर देता है एंटी थ्राम्बिन थ्री प्रोटीन क्या करता है ये पहला फंक्शन क्या है इसका क्लीव्स इट क्लीव्स थ्रोम्बिन। और हमें पता है कि थ्रोम्बिन इज अ कोगुलेंट प्रोटीन ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है तो पहला क्या है एंटी थ्रोम्बिन थ्री प्रोटीन इस थ्रोम्बिन को क्लीव करता रहता है इसके साथ में यही एटी थ्री प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर नाइन एंड क्लॉटिंग फैक्टर टेन इन दोनों को भी क्लीव करता रहता है तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से जो फैक्टर्स ब्लड में प्रेजेंट हैं कॉगोलेशन करने के लिए उसके अगेंस्ट में एंडोथीलियल सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल्स में इसी के तरह हम देखते हैं कि और क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स के जस्ट लाइक हेप्रॉन सल्फेट एक और इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन एंडोथीलियल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोमॉडुलिन तो इनको नाम थ्रोम्बोमोडोलिन इसलिए पड़ा क्योंकि ये थ्रोम्बिन प्रोटीन के करेक्टर को मॉडिफाई कर देते हैं थ्रोम्बिन प्रोटीन का करेक्टर क्या होता है ये कोगुलेंट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड को कागोलेट करने में बट थ्रोम्बोमोडोन प्रोटीन क्या करता है एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल में ये थ्रोम्बोमोडिल प्रोटीन थ्रोम्बिन के फंक्शन को चेंज कर देता है अब थ्रोम्बिन कोगुलेंट प्रॉपर्टी को छोड़ करके एज अ एंटी कोगुलेंट बिहेव करने लगता है तो देखते हैं कि कैसे सो लेटस सपोज ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है जिसको हमने कहा थ्राम्बोमोडिन दिस इज थ्राम्बोमोडोलिन प्रोटीन जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में ये क्या करता है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं किसके लिए थ्रोम्बिन प्रोटीन के लिए तो अस सपोज दिस इज अ थ्रोम्बिन प्रोटीन तो अब देखते हैं कि ये थ्रोम्बिन प्रोटीन के करेक्टर को कैसे चेंज करता है जैसे ही थ्रोम्बिन आकर के थ्राम्बोमोडिल प्रोटीन पर बाइंड करता है थ्रोम्बिन क्या करता है सबसे पहले ये एक्टिवेट करता है एक दूसरे प्रोटीन को जिसको हम कहते हैं प्रोटीन सी और प्रोटीन सी क्या करते हैं प्रोटीन सी क्लॉटिंग फैक्टर फाइव और क्लॉटिंग फैक्टर एट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्या करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर फाइव क्लॉटिंग फैक्टर 5 एंड क्लॉटिंग फैक्टर एट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल्स में एंडोथीलील सेल्स के फीचर्स किस तरीके से ब्लड को कागुलेट नहीं होने देते और नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल्स में ब्लड लिक्विड फॉर्म में फ्लो होता रहता है इसी तरह एंडोथीलियल सेल्स पे एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर ये एक प्रोटीन होती है सोलेटस so सपोज ये क्या है ये टी पी ए है जिसको हमने कहा टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर तो टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर का काम क्या होता है इनका काम होता है ये प्लाज्मोजन प्रोटीन को प्लाज्मिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं प्लाजमिन में और प्लाजमिन प्रोटीन रेस्पॉन्सबल होती है मेजर रूप से क्लॉट को ब्रेक करने में इंजरी के बाद में जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है तो जब क्लॉट को ब्रेक करना होता है जब हीलिंग टाइम ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम पे यह प्लाजमिन प्रोटीन ही होती है जो फिबरिन को ब्रेक करती है बट नॉर्मल फिजियोलॉजी में भी यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लाज्मिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट करते रहते हैं प्लाज्मिन में और एज अ रिजल्ट ये प्लाज्मिन प्रोटीन क्या करता है ये क्लीव करता रहता है किसको ये क्लीव करता रहता है फिब्रिन के स्ट्रैंड्स को तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हमें लगता है कि ब्लड वेसल्स केवल किसी ट्रॉमा से किसी एक्सीडेंट से ही ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है ब्लड वेसल्स बहुत सारे तरीक़ों से डैमेज हो सकती हैं जैसे कि अगर बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस हो रहे हैं तो भी ब्लड वेसल्स में पंक्चर होता है अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया उस वजह से भी ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है अगर हमारी बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन्स हो गए तो उस वजह से भी ब्लड वेसल्स पंचर हो सकती हैं इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनका अपोज़िट इफ़ेक्ट होता है उस वजह से भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं तो ब्लड वेसल्स इतने रीजंस से डैमेज होती हैं इसी वजह से इसको सील करने के लिए बहुत सारे प्लेटलेट्स लगते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इसमें यूज़ होते हैं इसको सील करने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग